होगा। यहां नामांकन भरे जाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आइए देखते हैं यहां की चुनावी तस्वीर इस रिपोर्ट में। मधुबनी जिले के पूर्वी भाग में स्थित झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र की पहचान मैथिली संस्कृति है। इस क्षेत्र से तीन नदियां कमला बालान और कोसी प्रवाहित होती हैं। कृषि प्रधान यह क्षेत्र बारिश के दिनों में अक्सर बाढ़ की चपेट में आ जाता है। यहाँ के लोग हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलते हैं, लेकिन कोई भी सांसद यहाँ के लोगों के जख्मों पर मरहम नहीं लगा सका है। झंझारपुर को 1972 में लोकसभा क्षेत्र बनाया गया। 1973 में यहाँ हुए पहले चुनाव में जनता ने कांग्रेस के दिग्गज और बिहार के मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ मिश्र को चुनकर लोकसभा भेजा था। 1999 और 2004 के चुनाव में देवेंद्र प्रसाद यादव आरजेडी के टिकट पर लड़े और जीते। वे अब तक सबसे अधिक चार बार इस सीट से जीत चुके हैं। 1989 और 1991 में वे जनता दल के टिकट पर जीते थे। 1996 में आरजेडी के सुरेंद्र यादव को विजय मिली थी। साल 2009 के चुनाव में झंझारपुर की जनता ने जेडीयू उम्मीदवार मणिलाल मंडल को पसंद किया। साल 2014 की मोदी लहर में बीजेपी उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार चौधरी को यहां का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। इस बार झंझारपुर का चुनावी मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होगा। यहां मुकाबला त्रिकोणीय है। यहां एनडीए ने निवर्तमान सांसद और जदयू नेता रामप्रीत मंडल को दोबारा चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं इंडी गठबंधन ने वीआईपी के सुमन कुमार पर भरोसा करके पहली बार उन्हें चुनाव में उतारा है। बसपा से गुलाब यादव चुनावी मैदान में है। गुलाब यादव 2019 में के लोकसभा चुनाव में राजद उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन इनकी जीत नहीं हुई थी। ये देखना होगा कि क्या जनता निवर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल को ही पसंद करती है या फिर किसी अन्य उम्मीदवार पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बिहार में 7 मई को तीसरे